और अब खबर सियासत की। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत को चुनावी चेहरा बनाने की मांग अब और तेज होने लगी है। पौड़ी में हंगामे के बाद हरीश गुट के नेता फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दो टूक कहा कि अगर पौड़ी में कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति पार्टी विरोधी है तो सारे हरीश रावत समर्थकों और मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज देहरादून में राजेंद्र शाहजी द्वारा गणेश गोदियाल जी को निष्कासित करने वाला जो बयान दिया है, उस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। माननीय हरीश रावत जी हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष भी रहे और वो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की CWC की कमेटी के माननीय सदस्य हैं और माननीय जनरल सेक्रेटरी हैं और पंजाब के प्रभारी भी हैं। अगर उनके समर्थन में कोई कार्यकर्ता कोई बात करता है, क्या ये कार्यकर्ता का गुनाह माना? तो हरीश का समर्थन पार्टी का विरोध, ऐसा क्यों? गोविंद कुंजवाल का ये बयान भी आप सामने आया है और जिस तरीके से हरीश रावत को चेहरा बनाए जाने को लेकर अब ये पूरी सियासत हो रही है। कहा है एक्शन लेना, आलाकमान जो है वो एक्शन ले। ऐसे में गोविंद कुंजवाल ने साफ किया है, उन्होंने कहा है दो टूक कहा है कि अगर पौड़ी में कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति पार्टी विरोधी है तो सारे हरीश रावत समर्थकों और मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हरीश रावत को चेहरा बनाया जाए, गोविंद सिंह कुंजवाल का यह बयान सामने आया है जिसके बाद लगातार सियासत और तेज हो गई है। तो बता दें आपको, हरीश रावत को चेहरा बनाए जाने को लेकर और साथ ही जिस तरीके से जो हरीश रावत और उनके समर्थक हैं उन पर कार्रवाई की बात गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है। उनका यह बयान सामने आया है कि अगर ऐसा है तो सब पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत को चुनावी चेहरा बनाने की मांग अब लगातार तेज होने लगी है। पौड़ी में हंगामे के बाद हरीश गुट के नेता फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने दो टूक कह दिया कि अगर पौड़ी में कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति पार्टी विरोधी है तो सारे हरीश रावत समर्थकों और मुझ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके साथ ही हरीश रावत को चेहरा बनाए जाने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। हरीश रावत के समर्थक अब फ्रंट फुट पर आ गए हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कह दिया है, दो टूक कह दिया कि अगर पौड़ी में कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति पार्टी विरोधी है तो हरीश रावत के समर्थक और मुझ पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कांग्रेस में गुटबाजी और धड़बाजी की ये तस्वीर एक बार फिर देखने को मिली है, जहां हरीश रावत के समर्थक फिर से एक तरफ नजर आ रहे हैं। हरीश रावत को चेहरा बनाए जाने को लेकर ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी साफ कर दिया कि अगर ऐसा है तो उन पर और हरीश रावत के समर्थकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुंजवाल जी, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। कुंजवाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज आ रही जी। सर, जिस तरीके से अब ये पूरा मामला सामने आया है, पौड़ी में जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली, कहीं ना कहीं कांग्रेस में धड़बाजी और गुटबाजी साफ तौर पर अब तो देखी जा रही है। देखिये, ना धड़ेबाजी है ना गुटबाजी है। कुछ छोटे कार्यकर्ता जिनका कोई जमीनी आधार नहीं है, ये राजेंद्र शाह जैसे आदमी, इन्होंने अनावश्यक रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दबाने का काम किया। हेलो जी,
जी जी सर सुन रहे हैं हम आप। कोई कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, और जिन्होंने मामला उछाला वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वर्तमान समय में जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये गुटबाजी को खत्म करें, कम करें जी, और उन्होंने उसको बढ़ावा दे दिया। लेकिन कुंजवा जी आप कह रहे हैं कि कोई धड़बाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, आप लोग हरीश रावत को चेहरा बनाने की मांग कर रहे हैं, और आप तो पार्टी से मांग क्यों नहीं रही है, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हरीश रावत के समर्थकों पर और मुझ पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये तो गुटबाजी को ही दर्शाता है ना सर। देखिए एक चीज है जो सत्यता है, जो सही चीज है, उसके उसको कहने में उसको लागू करने में जो पार्टी जो नेता डरेंगे तो वो पार्टी कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो लोग आज उत्तराखंड के हर जनमानस ये चाह रहा है कि हरीश रावत दोबारा सत्ता में आए, और पिछली बार हमसे गलती हो गई उसका पश्चाताप करना चाहता है, और इसलिए कार्यकर्ता कह रहा है कि हरीश रावत को चेहरा बनाया जाए और कांग्रेस आसानी से जीत जाती। अब जो लोग इस सत्यता को नहीं समझ रहे, जमीनी जो वो है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो तो कौन लोग नहीं समझ रहे हैं कुंजवाल जी, कौन लोग नहीं समझ रहे हैं? आपके खुद की पार्टी में ही इसी चेहरे को लेकर मनभेद मतभेद सामने आ रहे हैं। अरे किस तरह के लोगों के मनभेद मतभेद है उनसे पूछे, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रश्न उनसे पूछे कि मतभेद कर रहे हैं जब सारी प्रदेश की जनता उनके पक्ष में है। लेकिन सर आप भी तो ये कह रहे हैं ना कि नहीं है पार्टी में दो टुक नहीं है, तो मैं उसका उदाहरण बता रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार गलती हो गई इसलिए इस बार हरीश रावत को चेहरा बनाएंगे, ये आप बोल रहे हैं, ये जनता चाहती है आपने कहा है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग ही नहीं इस बात को समझ रहे हैं, चेहरे को लेकर ही लड़ाई सारी है। नहीं ऐसा है, ऐसा है जो स्थितियां इस समय उत्तराखंड की है चुनाव की दृष्टि से, उस सत्यता को हमारे संगठन के लोगों ने, केंद्रीय नेताओं ने, प्रदेश के लोगों ने सबने समझना चाहिए। अगर हम सत्यता को नकारेंगे तो हम फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम समाधान नहीं निकाल सकते हैं, मेरा ये कहना है। बाकी कौन क्या कह रहा है उस दिशा पर मैं कोई चिंतन नहीं करता हूँ। चलिए आप कह रहे हैं कुंजवाल जी की पार्टी में मतभेद मनभेद नहीं है, दो टूक नहीं है, लेकिन तस्वीर कुछ और कह रही है, पौड़ी में जो है वो कुछ और बयां कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका नेटवर्क टेन से बातचीत के लिए।